प्राचार्य डांगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शस्त्रागार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शस्त्रागार के प्रधानाचार्य के रूप में हमने इस बात पर अधिक जोर दिया कि हमारे प्रशिक्षण संस्थान में पढ़ने वाले छात्र कला और स्वरोजगार में अधिक कौशल कैसे प्राप्त कर सकते हैं और हम सक्रिय रहेंगे। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य डांगी सर ने बीसीए न्यूज से बात करते हुए आगे कहा कि हमारी संस्था में नई कंप्यूटर लैब बनाकर संस्थान के प्रत्येक विभाग में प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। हम अपने प्रशिक्षण संस्थान जैसे इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक रेफ्रिजरेटर में सीखने वाले प्रशिक्षुओं को उनके विभाग में टूटी हुई मशीनों की मरम्मत करके मदद करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे उस उपकरण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सके। हमारे प्रशिक्षण संस्थान में महिलाओं के लिए सिलाई कक्षाओं के प्रशिक्षण के लिए नए जमाने की उन्नत सिलाई मशीनों की भी व्यवस्था की गई है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो छात्र हमारे प्रशिक्षण संस्थान को छोड़ देता है वह बिना कहीं भटके स्वरोजगार कैसे हो जाएगा। हमने बिरसा मुंडा सभागार का भी निर्माण किया है और अपने प्रशिक्षकों के लिए आयोजित कार्यक्रम को ठीक से और अच्छी तरह से करने के लिए पूरे प्रशिक्षण संस्थान को चित्रित किया है। इसका उद्घाटन आरमोरी निर्वाचन क्षेत्र के प्रिय विधायक श्री कृष्ण जी गजभिये ने किया था। 9 अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शस्त्रागार में वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। उक्त वृक्षारोपण में प्रयुक्त उर्वरक हमारे अपने प्रशिक्षण संस्थान में तैयार किया जाता है। इथे 6 व्यवसायामध्ये शिल्पकारागीर प्रशिक्षणाअंतर्गत आम्ही वीजतंत्री रेफ्रिजरेशन एअर कंडिशनिंग वेल्डर कटिंग अँड सिविंग आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी अशा 6 व्यवसायामध्ये प्रशिक्षण देतो। संस्थेचा विकास करण्याकरिता संस्थेमध्ये ज्या मूलभूत सुविधा आहेत त्या वाढवण्याकरिता आम्ही दिनांक 9 ऑगस्ट ऑगस्ट क्रांती दिवसाच्या निमित्ताने इथे क्रांतीवीर बिरसा मुंडा सभागृह आणि विद्यार्थ्यासाठी आवश्यक कम्प्युटर बेस्ड टेस्ट त्याकरता आवश्यक जी IT लॅब पाहिजे होती त्या लॅबचं आम्ही उद्घाटन करणार आहोत आणि त्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना आम्ही ज्या ज्या मूलभूत सुविधा देता येतील त्या मूलभूत सुविधा देण्याचा प्रयत्न करत आहोत। अशा प्रकारे या आरमोरी शहरामध्ये ज्या औचित्याने आमच्या या ITI निर्मिती झाली होती आदिवासी विकासाची जो इथे आम्ही पाया रोवला होता तो पाया अधिकाधिक आम्ही इथे मजबूत करणार आहोत आणि जेवढी जास्त सुविधा आम्ही इथल्या प्रशिक्षणार्थ देण्याचा प्रयत्न करत आहोत त्या उदात्त हेतूने म्हणा किंवा आपल्या चांगल्या हेतूने म्हणा या भागातील आदिवासी विकास विभागामार्फत जी ही योजना राबवत आहे त्याचा जास्तीत जास्त सर्वांना लाभ मिळेल अशी आम्ही इथे प्रयत्न करत आहोत। आरमोरी से BCN न्यूज के लिए हरेंद्र मडावी की रिपोर्ट।